इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले दवापेन एसपी टेबलेट्स के बारे में। दवापेन एसपी टेबलेट्स का क्या है, कभी इसको यूज़ करते हैं, गिरुद को यूज़ होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है और उसका डोज डोसेंस कहता होना चाहिए। तो दवापेन एसपी टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट किया, अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं दवापेन एसपी टेबलेट्स, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी एमआरपी 30 यानी कि 30 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। दवापेन एसपी टेबलेट्स को दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी द्वारा बनाया जाता है। दवापेन एसपी टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो उसके अंदर इंग्रीडियंट्स है एसिक्लोफेनिक्स, पैरासिटामोल एंड सेराटोपेप्टिडेस इसके अंदर डाले गए हैं। दवापेन एसपी टेबलेट्स के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डाले गए उसकी पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो एसिक्लोफेनिक्स है वो 100 mg प्लस पैरासिटामोल 325 mg, सेराटोपेप्टिडेस 15 mg इसके अंदर डाले गए हैं। दवापेन एसपी टेबलेट्स के यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल दर्द निवारण के लिए किया जाता है। यह हेडेक्स, हल्के माइग्रेन्स, मस्कुलर स्केलेटल दर्द या मासिक धर्म के दर्द जैसी कंडीशंस में दर्द से राहत देने के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स का इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। दवापेन एसपी टेबलेट्स का इस्तेमाल मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों के दर्द, ऑपरेशन के बाद दर्द जैसी विभिन्न स्थितियों में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दवापेन एसपी टेबलेट्स का डोज से डोसेंस की बात करें तो उसका डोज से डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी, आपका वेट कितना, आपकी कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए। और उसका डोज से डोसेंस नॉर्मल तौर पर आफ्टर मिस रहता है, यानी कि टेबलेट्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वह टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। दवापेन एसपी टेबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में आपको सकता है मिचली आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, आपस होना, सीने में जलन होना, भूख में कमी होना, डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दवापेन एसपी टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। दवापेन एसपी टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स दवापेन एसपी टेबलेट्स। दवापेन एसपी टेबलेट्स के अंदर 3 दवाई रहती है, यानी कि एसिक्लोफेनिक्स, पैरासिटामोल और सेराटोपेप्टिडेस। एसिक्लोफेनिक्स एक नॉन स्टॉच एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID है। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक्स यानी कि बुखार को कम करने वाली दवाई रहती है। ये उन वेसिस केमिकल मैसेजों को ब्रेन से निकलने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता है। सेराटोपेप्टिडेस एक एंजाइम है जो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर असामान्य प्रोटीन को विघटित करके उसमें सुधार करता है। दवापेन एसपी टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करी, अपने मन से दवापेन एसपी टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी। तो दवापेन एसपी टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तो हमें कमेंट सेक्शन बताई, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल दिए वहाँ पर बताई। दवापेन एसपी टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।